हे प्रेन प्रेन ने गणेश मूर्ति को कलर करके दिखाया, अपन देखिए गणेश जी का फाइनल लुक है किस तरह से कलर किए हैं। तो चलिए फ्रेन गणेश जी का मूर्ति को कलर करते हैं। तो देखिए फ्रेन इस गणेश मूर्ति को कलर करके दिखाऊँ तो फ्रेन गणेश जी का फाइनल लुक देख चुके हैं। तो फ्रेन ये फेवरेट कैमल है मेरा, और फ्रेन इधर हम व्हाइट कलर को घोल लिए हैं। चलिए सबसे पहला मोटा वाला ब्रश लेके इसको हम कलर करेंगे। तो व्हाइट कलर को पहले चढ़ा लेंगे फ्रेन पूरा गणेश जी में, आगे पीछे चारों तरफ फ्रेन व्हाइट कलर को चढ़ा लेंगे। उसके बाद फ्रेन स्किन कलर को चढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से चढ़ा रहे हैं फ्रेन, धीरे धीरे करके चढ़ा रहे हैं। तो फ्रेन जो गणेश जी का मूर्ति है फ्रेन नगड़ा बजाते हुआ नजर आएगा। देखिए फ्रेन किस तरह से बनाया हूँ पहले, तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा फ्रेन। वीडियो को बिना स्किप के देखिए और सीखिए फ्रेन किस तरह से गणेश मूर्ति को कलर किया जाता है। पीछे की तरफ भी व्हाइट कलर कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेन थोड़ा देर सूखने के बाद स्किन कलर को बनाएंगे। फ्रेन देखिए किस तरह से स्किन कलर को बना रहे हैं। तो स्किन कलर को बनाने के लिए फ्रेन ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर को लेंगे हम। तो व्हाइट कलर का मात्रा को ज़्यादा लेंगे और ऑरेंज को कम लेंगे फ्रेन। तो देखिए किस तरह से स्किन कलर को बना रहे हैं। तो फ्रेन व्हाइट कलर को मात्रा को सबसे ज़्यादा लेंगे, और जो ऑरेंज कलर है उसका मात्रा थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फ्रेन जो मेरा इमली पाउडर का चीट बनाया हूँ फ्रेन, उसको हम देके घोलेंगे और मिक्स करके फ्रेन देंगे। चलिए चढ़ाते हैं। तो स्किन कलर को भी आराम से फ्रेन चढ़ाना है गणेश जी के मूर्ति में। तो फ्रेन देखिए किस तरह से स्किन कलर को चढ़ा रहे हैं। तो फ्रेन आगे पीछे दोनों तरफ चढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके चढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमेशा ऐसे वीडियो इस चैनल पे डालते रहता हूँ फ्रेंड। तो लगा फ्रेंड जो स्किन कलर है वो आगे की तरफ हो गया, आप पीछे की तरफ स्किन कलर को चढ़ाएंगे फ्रेंड। चलिए मूर्ति को घुमा लेके पीछे की तरफ भी स्किन कलर को चढ़ा लेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ चढ़ाएंगे फ्रेंड, मूर्ति का फिनिशिंग आएगा। क्योंकि छोटा मूर्ति है, बड़ा मूर्ति होने से पीछे की तरफ नहीं चढ़ाते। तो देखिए आप स्किन कलर को चढ़ा लेंगे, आप जो नीचे जो बैठा हुआ है फ्रेंड उसको कलर करेंगे। तो उसको थोड़ा सा व्हाइट कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर को मिक्स करेंगे फ्रेंड, और नीचे की तरफ देखिए किस तरह से चढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस कलर को चढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम जो गणेश जी का धोती है उसको कलर करेंगे फ्रेंड। तो गणेश जी का धोती को कलर करने के लिए हम जो देखिए जो पीला कलर है फ्रेंड, पीला कलर में थोड़ा सा ऑरेंज कलर को मिक्स किए हैं, वो देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके चढ़ाना फ्रेंड जहाँ लगे ना। उसके बाद फ्रेंड चढ़ाने के बाद जो गणेश जी का उड़ना है उसको भी कलर करेंगे फ्रेंड। तो लगाओ धोती को पूरा सा सेट कर लेते हैं। चलिए सेटिंग करने के बाद फ्रेंड ओढ़ना को कलर करेंगे। अब फ्रेंड जो हरा कलर है उससे ओढ़ना को कलर करेंगे। देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके फ्रेंड पतला ब्रश से ओढ़ना का भी कलर कर लेंगे। देखिए तो फ्रेंड चलिए वीडियो को बिना स्किप के देखते हैं पूरा और सीखते हैं फ्रेंड किस तरह से गणेश मूर्ति को कलर किया जाता है।